एक-एक करके विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम आपकी रिफ्रेशमेंट के लिए पीछे समझे गए कुछ टॉपिक्स को दोहरा लेते हैं, जैसे कि फास्टनर्स, जो डिवाइस दो या दो से अधिक पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उन्हें फास्टनर्स कहते हैं। फास्टनर्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, टेम्परेरी फास्टनर्स, जो फास्टनर्स दो या दो से अधिक पार्ट्स को आपस में टेम्परेरली जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें टेम्परेरी फास्टनर्स कहते हैं, जैसे कि नट्स, बोल्ट्स, स्क्रूज, स्टड्स, कीज, कोटर्स, पिन इत्यादि। परमानेंट फास्टनर्स, जो फास्टनर्स दो या दो से अधिक पार्ट्स को आपस में परमानेंटली जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें परमानेंट फास्टनर्स कहते हैं, जैसे कि रिविटिंग, वेल्डिंग, ग्लूइंग, सोल्डरिंग, फॉगिंग आदि। इस प्रकार से रिविट एक परमानेंट फास्टनर है, जो कि दो पार्ट्स को आपस में परमानेंटली जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आगे इस चैप्टर में हम रिविट्स के बारे में विस्तार से सीखने वाले हैं। रिविट्स, रिविट्स एक डक्टाइल मेटल का सिलेंड्रिकल शेप्ड पीस होता है, जिसके एक सिरे पर हेड और दूसरे सिरे पर टेपर्ड टेल होती है। ये आमतौर पर रॉट आयरन, माइल्ड स्टील, कॉपर या एल्यूमिनियम एलॉयज की बनी होती है। इन्हें बॉयलर्स, स्टोरेज टैंक्स, स्टील स्ट्रक्चर्स, शिप्स, ब्रिज इत्यादि में इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें आप सीलिंग फैंस, स्टील बकेट्स, फोल्डिंग इत्यादि पर भी देख सकते हैं। एक रिविट के जनरली तीन पार्ट्स होते हैं, हेड, शैंक और टेपर्ड टेल, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। यहां पर रिविट्स की कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन दिखाई गई है। शेप्स ऑफ रिविट हेड्स, रिविट्स आमतौर पर उनके हेड के शेप के बिहाफ पर क्लासिफाइड होती है, क्योंकि सभी प्रकार के रिविट्स की बॉडी सिलेंड्रिकल शेप की होती है, लेकिन उनके हेड्स की शेप अलग होती है। रिविट हेड कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्नैप हेड, पैन हेड, पैन हेड विथ पेपर नेक, राउंड काउंटरसंक हेड, काउंटरसंक हेड, एलिप्सॉइडल। कॉनिकल हेड, फ्लैट हेड, मशरूम हेड, 120 डिग्री काउंटरसंक हेड। रिविटिंग, रिवेट्स और उनके शेप्स के बारे में जानने के बाद आइए अब हम जानें कि रिवेट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जिस प्रकार से फास्टनर एक डिवाइस होता है और फास्टनिंग उसे इस्तेमाल करने की प्रोसेस होती है, उसी प्रकार से रिविटिंग एक प्रकार से प्रोसेस है, जिसके द्वारा रिविट की मदद से दो पार्ट्स को आपस में जोड़ा जाता है। रिविट का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो रिविट के हेड को लोअर रिविट सेट पर रखा जाता है, फिर जोड़े जाने वाले पार्ट्स को एक एक करके ड्रिल होल के द्वारा रिविट की बॉडी पर फिट किया जाता है। उसके बाद दूसरे रिविट हेड को बनाने के लिए अपर रिविट सेट को रिविट के टेल पर रखकर हैमर या मशीन की मदद से प्रेशर क्रिएट किया जाता है।
जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। यहां पर आपको रिविटिंग प्रोसेस को दिखाया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया, रिवेट्स को टैंक्स, बॉयलर्स इत्यादि में इस्तेमाल किया जाता है, जो एक प्रकार के स्टोरेज डिवाइसेस हैं, लेकिन केवल रिवेटिंग प्रोसेस यहां सफिशिएंट नहीं होती है, क्योंकि इन्हें लीक प्रूफ जॉइंट की आवश्यकता होती है, ताकि जॉइंट से किसी भी प्रकार का फ्लूड लीक ना हो। तो रिवेटेड जॉइंट्स को लीक प्रूफ बनाने के लिए हम कोल्किंग और फुलरिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब हम इन ऑपरेशंस के बारे में और अधिक जानें। कोल्किंग ऑपरेशन में हम रिवेटेड प्लेट्स के आउटर बिविल्ड एज्स पर और रिवेट हेड्स पर कोल्किंग टूल रखकर हैमरिंग या न्यूमेटिक प्रेशर अप्लाई करते हैं, ताकि जॉइंट लीक प्रूफ बन जाए। कोल्किंग टूल एक ब्लंट एज चीसल के आकार का होता है, जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया है। यहां कॉर्क प्लेट एज का उदाहरण दिखाया गया है। फुलरिंग, कोल्किंग की तरह फुलरिंग ऑपरेशन भी रिवेटेड जॉइंट को एयर टाइट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहां इस्तेमाल किए जाने वाले टूल की विड्थ रिवेटेड प्लेट एज के बराबर होती है, जैसा कि चित्र में भी दर्शाया गया है। यहां पर कोल्किंग और फुलरिंग टूल्स दिखाए गए हैं। आइए अब हम रिवेटेड जॉइंट से रिलेटेड टर्म्स और उन्हें कैलकुलेट करने के फॉर्मूलास को जानेंगे। डायामीटर ऑफ रिवेट, रिवेट के शैंक पोर्शन के डायामीटर को डायामीटर ऑफ रिवेट कहते हैं, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। इसे हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं। इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 6√t। यहां t का मतलब होता है थिकनेस ऑफ मेन प्लेट। पिच, एक सेम रिवेट रो में दो रिवेट्स के बीच के डिस्टेंस को पिच कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसे लॉन्गिट्यूडिनल पिच भी कहते हैं। इसे हम स्मॉल अल्फाबेट p से डिनोट करते हैं। पिच हमेशा 3d के बराबर होती है। मार्जिन, द डिस्टेंस बिटवीन एज ऑफ द प्लेट to the center of the nearest rivet is known as margin. जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, इसे हम small m से denote करते हैं। Margin हमेशा 1.5 d के बराबर होता है। Chain riveting, जिस riveting arrangement में एक rivet की रो के साथ लगती हुई एडजेसेंट रो में रिवेट्स को पहली रो के बिल्कुल सामने ही लगाया जाता है, उसे चेन रिवेटिंग कहते हैं। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, जिगजैग रिवेटिंग, जिस रिवेटिंग अरेंजमेंट में एक रिवेट की रो के साथ लगती हुई एडजेसेंट रो में रिवेट को पहली रो के बीच के स्थान में लगाया जाता है, उसे जिगजैग रिवेटिंग कहते हैं। यहां चित्र में जिगजैग रिवेटिंग को दिखाया गया है। रो पिच, दो एडजेसेंट रो के बीच के डिस्टेंस को रो पिच कहते हैं। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, इसे बैक
और ट्रांसवर्स पिच भी कहते हैं। रॉ पिच चेन टाइप रिवेटिंग के लिए 2D प्लस 6mm होती है और जिगजैग टाइप रिवेटिंग के लिए 2D के बराबर होती है। डायगोनल पिच एक जिगजैग प्रकार के रिवेटिंग अरेंजमेंट में एक रिवेट और उसी प्लेट में उसके एडजेसेंट रो की रिवेट की बीच की दूरी को डायगोनल पिच कहते हैं, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 2P प्लस D डिवाइडेड बाय 3 होता है। थिकनेस ऑफ मेन प्लेट इसे स्मॉल अल्फाबेट T से डिनोट करते हैं, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है D डिवाइडेड बाय 6 होल स्क्वायर। यहां आपको कवर प्लेट की थिकनेस कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज को भी दिया गया है, जो कि बट जॉइंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। किताब के पेज नंबर 145 पर स्टैंडर्ड रिवेट डायमीटर्स एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले सभी फॉर्मूलाज को दिया गया है। टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स। जो जॉइंट्स रिवेट्स की सहायता से बनाए जाते हैं उन्हें रिवेटेड जॉइंट कहते हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ प्लेसिंग द रिवेटिंग प्लेट्स, रिवेटेड जॉइंट्स दो प्रकार के होते हैं। चित्र में रिवेटेड जॉइंट्स के दोनों प्रकार दिखाए गए हैं। लैप रिवेटेड जॉइंट। जब दो प्लेट्स के एज ओवरलैप करते हैं और सभी रिवेट्स दोनों प्लेट्स के बीच से गुजरती है तो एक लैप रिवेटेड जॉइंट तैयार होता है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आइए अब हम लैप रिवेटेड जॉइंट्स की टाइप्स के बारे में जानेंगे। रिवेट की रोज के आधार पर लैप रिवेटेड जॉइंट्स मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट में रिवेट्स की एक रो होती है। डबल रिवेटेड लैप जॉइंट्स में रिवेट की 2 रोज होती हैं। ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट में रिवेट्स की 3 रोज होती हैं। सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट को छोड़कर सभी लैप रिवेटेड जॉइंट्स जिगजैग टाइप्स भी हो सकते हैं। आइए अब हम लैप रिवेटेड जॉइंट को कंस्ट्रक्ट करने के मेथड को सीखेंगे। यहां बताया गया है कि हमें एक डबल रिवेटेड चेन टाइप लैप जॉइंट का सेक्शनल फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करना है, जिसमें रिवेट डायामीटर 18mm के बराबर होगा और हमें इसके कंस्ट्रक्टेड टॉप व्यू में कम से कम 3 रिवेट्स को शो करना है। तो आइए अब सीखें कि इस दी गई रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बताए गए लैप रिवेटेड जॉइंट को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, सबसे पहले तो हम दिए गए रिवेट डायामीटर से कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि थिकनेस ऑफ प्लेट, लॉन्गिट्यूडनल पिच, मार्जिन, रो पिच। आइए अब हम जानें कि इन प्राप्त डायमेंशंस की मदद से कैसे हम रिक्वायर्ड लैप रिवेटेड जॉइंट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहां पहली तस्वीर में आपको रिक्वायर्ड लैप रिवेटेड जॉइंट का पिक्टोरियल व्यू दिखाया गया है और दूसरी तस्वीर में आपको इस पिक्टोरियल व्यू के रिक्वायर्ड सेक्शनल व्यूज
दिखाए गए हैं जिन्हें आप अपनी ड्राइंग शीट या एग्जामिनेशन के दौरान कंस्ट्रक्ट करेंगी। तो आइए अब हम जानें कि इन दिखाए गए ऑर्थोग्राफिक व्यूज को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। इन दिखाए गए ऑर्थोग्राफिक व्यूज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बताए गए स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो हम रिक्वायर्ड फ्रंट ड्रॉ करने के लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जिसकी विड्थ मोर देन विड्थ ऑफ प्लेट्स ओवरलैप एंड हाइट 2t के बराबर होगी। फिर हम इस रेक्टेंगल की वर्टिकल लाइंस पर डिस्टेंस t पर दो पॉइंट्स मार्क करेंगे और इन पॉइंट्स के बीच एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन के सेंटर पर एक पॉइंट मार्क करेंगे जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। फिर हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर मार्क्ड सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस ऑफ प्लेट्स ओवरलैप पर दो पॉइंट्स मार्क करेंगे। फिर हम इन पॉइंट्स से 10 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड लाइंस ड्रॉ करेंगे जो कि प्लेट्स के बेवल्ड एजेस को रिप्रेजेंट करेगी जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। फिर हम रिक्वायर्ड फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए रिक्वायर्ड लाइंस को डार्क करेंगे और अनवांटेड लाइंस को रिमूव करेंगे। फिर हम सेंटर पॉइंट से रो पिच डिस्टेंस पर दो वर्टिकल सेंटर लाइंस ड्रॉ करेंगे। इन वर्टिकल सेंटर लाइन से प्लेट्स के एजेस का डिस्टेंस 1.5d के बराबर होगा जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। फिर हम इन वर्टिकल सेंटर लाइंस पर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जिनकी विड्थ डायामीटर ऑफ रिविट और हाइट 2t के बराबर होगी जो कि रिविट के शैंक पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगी। फिर हम इन रिविट शैंक पार्ट पर रिविट हेड ड्रॉ करने के लिए इन रेक्टेंगल्स पर एक दूसरा रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जिसकी विड्थ 1.6d और हाइट 0.7d के बराबर होगी। फिर हम इस रेक्टेंगल के अपर सेंटर और लोअर राइट कॉर्नर्स पर पॉइंट ए और बी मार्क करेंगे जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। फिर हम पॉइंट ए और बी के बीच एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमें रिविट हेड को ड्रॉ करने में मदद करेगी। फिर हम कंपास को पॉइंट बी पर रखकर उसे पॉइंट ए तक ओपन करके दो कर्व्स ड्रॉ करेंगे और इसी प्रकार से कंपास को पॉइंट ए पर रखकर उसे पॉइंट बी तक ओपन करके दो और कर्व्स ड्रॉ करेंगे जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। फिर इन कर्व्स के बीच एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे और जहां यह डायगोनल लाइन वर्टिकल सेंटर लाइन को काटेगी वहां हम एक पॉइंट मार्क करेंगे। फिर हम कंपास को इस पॉइंट पर रखकर इसे पॉइंट बी तक ओपन करके एक कर्व ड्रॉ करेंगे जो कि स्नैप रिविट हेड को रिप्रेजेंट करेगी। इसी प्रकार से बाकी के सभी रिविट हेड्स को भी हम ड्रॉ करेंगे जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। फिर हम अपर और लोअर प्लेट्स में 45 डिग्री एंगल पर सेक्शन लाइंस ड्रॉ करेंगे।
क्योंकि हम यहां फ्रंट व्यू को फुल सेक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस प्रकार हम रिक्वायर्ड फ्रंट व्यू को कंस्ट्रक्ट करेंगे। फिर हम रिक्वायर्ड टॉप व्यू को ड्रॉ करने के लिए रिवेट्स की वर्टिकल सेंटर लाइन से नीचे की तरफ प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम यहां फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड को फॉलो कर रहे हैं। फिर हम टॉप व्यू में रिवेट्स को ड्रॉ करने के लिए 3D डिस्टेंस पर हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइंस ड्रॉ करेंगे, जिससे हम रिवेट्स सेंटर पॉइंट्स प्राप्त करेंगे, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। फिर हम इन सेंटर पॉइंट्स पर साइज 1.6D डायामीटर के कॉन्टिन्यूस सर्कल्स और साइज डी डायामीटर के डॉटेड सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, जो कि रिवेट के हेड और शैंक पोर्शन को टॉप व्यू में रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम प्लेट्स को टॉप व्यू में रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए पहले हम फ्रंट व्यू की लोअर प्लेट से प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे और लोअर प्लेट के टॉप व्यू को ड्रॉ करेंगे, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। इसी प्रकार हम अब फ्रंट व्यू की अपर प्लेट से प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे और अपर प्लेट के टॉप व्यू को ड्रॉ करेंगे। अब हम टॉप व्यू में लोअर प्लेट के अपर प्लेट द्वारा कवर एज को डॉटेड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम टॉप व्यू में कटिंग प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे, जहां से हम सेक्शनल फ्रंट व्यू को कटिंग पोर्शन के द्वारा शो कर रहे हैं, और इस प्रकार से हम रिक्वायर्ड टॉप व्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। सभी चेन टाइप लैप रिवेटेड जॉइंट्स इसी प्रकार से कंस्ट्रक्ट होंगी, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि हम सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट में 1 row ऑफ रिवेट्स ड्रॉ करेंगे, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट में 2 rows ऑफ रिवेट ड्रॉ करेंगे और ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट में 3 rows ऑफ रिवेट ड्रॉ करेंगे। आइए अब हम लैप रिवेटेड जॉइंट विद जिगजैग फॉर्मेशन का एग्जांपल लेते हैं। यहां हमसे कहा गया है कि हमें एक डबल रिवेटेड जिगजैग टाइप लैप जॉइंट का सेक्शनल फ्रंट व्यू और आउटसाइड टॉप व्यू ड्रॉ करना है, जिसमें प्लेट्स की थिकनेस 16 mm के बराबर होगी। तो आइए अब हम जानें कि इस रिक्वायरमेंट के अनुसार हम कैसे लैप रिवेटेड जॉइंट को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम दी गई प्लेट्स की थिकनेस से कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि डायामीटर ऑफ रिवेट, लॉन्गिट्यूडिनल पिच, मार्जिन, रो पिच। आइए अब हम जानें कि इन प्राप्त डायमेंशंस की मदद से कैसे हम रिक्वायर्ड लैप रिवेटेड जॉइंट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहां पहली तस्वीर में आपको रिक्वायर्ड लैप रिवेटेड जॉइंट का पिक्टोरियल व्यू दिखाया गया है और दूसरी तस्वीर में आपको इस पिक्टोरियल व्यू के रिक्वायर्ड सेक्शनल व्यूज दिखाए गए हैं, जिन्हें आप अपनी ड्राइंग शीट या एग्जामिनेशन के दौरान कंस्ट्रक्ट करेंगे। इन ऑर्थोग्राफिक व्यूज को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका पीछे समझाए गए चेन टाइप लैप रिवेटेड जॉइंट जैसा ही है, लेकिन जिगजैग टाइप फॉर्मेशन में कुछ चीजें अलग होती हैं, जैसे कि रो पिच। इन एडजेसेंट रो रिवेट्स आर प्लेस्ड इन बिटवीन 2 rivets ऑफ प्रीवियस रो एज शोन इन टॉप व्यू। इवन इन एडजेसेंट रो द डिस्टेंस बिटवीन 2 rivets विल बी इक्वल टू 3D एज शोन इन टॉप व्यू। इस प्रकार हम सभी जिगजैग टाइप लैप रिवेटेड जॉइंट्स के
सेक्शनल व्यूज को कंस्ट्रक्ट करेंगे। बाकी के सभी लैप रिवेटेड जॉइंट्स के बारे में किताब के पेज नंबर 147 से 153 के बीच विस्तार से दिया गया है। बट रिवेटेड जॉइंट्स लैप रिवेटेड जॉइंट्स के मुकाबले ज्यादा मजबूत होते हैं। बट रिवेटेड जॉइंट्स के लिए पहले जोड़ी जाने वाली मेन प्लेट्स को बट फॉर्म में रखा जाता है, फिर उनके ऊपर या नीचे या दोनों तरफ कवर प्लेट्स को रखकर कवर प्लेट्स और मेन प्लेट्स के बीच रिवेट्स को डाला जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बट रिवेटेड जॉइंट्स के द्वारा जोड़ी जाने वाली प्लेट्स के एज बेवल्ड नहीं होती हैं, लेकिन इन्हें जिन कवर प्लेट्स की मदद से जोड़ा जाता है उनके एज बेवल्ड होते हैं। बट रिवेटेड जॉइंट्स को आमतौर पर सिलेंडर शेप्ड बॉयलर्स में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आपको बट रिवेटेड जॉइंट्स विद सिंगल कवर प्लेट दिखाया गया है। आइए अब हम बट रिवेटेड जॉइंट की टाइप्स के बारे में जानेंगे। बट रिवेटेड जॉइंट्स आर मेनली क्लासिफाइड ऑन द बिहाफ ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कवर प्लेट्स एज शोन इन फ्लो डायग्राम। ये सभी बट रिवेटेड जॉइंट्स चेन या जिगजैग टाइप के हो सकते हैं। यहाँ सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट में दो रोज ऑफ रिवेट होगी और डबल रिवेटेड बट जॉइंट में फोर रोज ऑफ रिवेट होगी। इनके बारे में आप किताब के पेज नंबर 153 से 160 तक पढ़ सकते हैं। अब हम बट रिवेटेड जॉइंट का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ हमसे कहा गया है कि हमें एक सिंगल रिवेटेड चेन टाइप विद डबल कवर प्लेट्स बट रिवेटेड जॉइंट का सेक्शनल फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करना है, जिसमें रिवेट का डायामीटर 24 mm के बराबर होगा। आइए अब हम सीखें कि इस रिक्वायरमेंट के अनुसार हम कैसे बट रिवेटेड जॉइंट को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो हम रिवेट के दिए गए डायामीटर से कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि थिकनेस ऑफ मेन प्लेट्स, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट्स, लॉन्गिट्यूडिनल पिच, मार्जिन, रो पिच। आइए अब हम जानें कि इन प्राप्त डायमेंशंस की मदद से कैसे हम रिक्वायर्ड बट रिवेटेड जॉइंट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पहली तस्वीर में आपको रिक्वायर्ड बट रिवेटेड जॉइंट का पिक्टोरियल व्यू दिखाया गया है और दूसरी तस्वीर में आपको इस पिक्टोरियल व्यू के रिक्वायर्ड सेक्शनल व्यूज दिखाए गए हैं, जिन्हें आप अपनी ड्राइंग शीट या एग्जामिनेशन के दौरान कंस्ट्रक्ट करेंगे। इन सेक्शनल व्यूज को आप लैप रिवेटेड जॉइंट्स के कंस्ट्रक्शन मेथड की मदद से प्रिपेयर कर सकते हैं। सभी बट रिवेटेड जॉइंट्स के बारे में किताब के